दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्लांट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो फल वाला पौधा है और बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त इसको फल लगता है। ये हाइब्रिड पौधा है, तो बहुत ही प्यारा ये प्लांट है। इसका नाम जो है बनाना है, ठीक है। ये बनाना मकसद केले का पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी, आप देख सकते हैं, ये देखें, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। और मैं आपको पौधे का जो पूरा व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका पूरा व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, नीचे इसके साथ साथ और भी पौधे चल रहे हैं और निकले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ, इसकी केयर जो है इतनी मुश्किल नहीं है। तो आप अपने घर में लगा के बनाना केले जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लांट है, ये आप देख सकते हैं। ये केलों के गुच्छे बिल्कुल लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा ये प्लांट है, हाइब्रिड पौधा है। ये केले का एक पौधा मैं लेके आया था और भी काफ़ी सारे लोगों को गिफ्ट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है और इसके नीचे जो और भी बच्चे जो इसके साथ साथ और भी निकल रहे हैं, ये देखें, काफ़ी सारे इसके साथ केले भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके साथ पूरा लूंगा जो है, ये देखें, ये साथ साथ केले जो और भी लग रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसको घर में लगाने बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है जी। आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इजीली ग्रो हो जाता है, ठीक है। आप कहीं से भी एक पौधा आप लेके आएँ घर में, साथ साथ उसके साथ साथ और काफ़ी सारे पौधे हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, जब ये साल में एक दफ़ा ही फल देता है, ठीक है, जब एक दफ़ा फल दे दे तो इसका जो पौधा बड़ा पौधा होता है जिसने फल दिया होता है वो आप काट दिया करें, ठीक है। नीचे से जो दोबारा पौधा निकलता है उसके ऊपर फल लगता है, वरना जो पौधा है वो पहले वाला फल जो दे देता है उसके बाद उसके ऊपर फल नहीं लगता, ठीक है। तो इसको इतना पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, ये खुद ब खुद ही चलता रहता है, खुद ब खुद ही ग्रो करता रहता है। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से ये आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने निकाल के लगाना है आगे, ठीक है। तो बहुत ईजीली ग्रो होने वाला पौधा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका ये पूरा व्यू है, इसके ऊपर केले आप देखें कितने माशाल्लाह लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्लांट है और बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा जब आप पहली दफ़ा लगाएं तो इसके लिए मिट्टी अच्छी इस्तेमाल कर लें, भल मिट्टी जो है इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक दफ़ा पानी दे दें जब लगाएँ, उसके बाद आप पानी ना भी दें तो खुद ब खुद ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जो इसके पब्स निकल रहे हैं, ठीक है। इसके जो नीचे नए नए पौधे निकल रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नीचे पौधा जो है निकल रहा है, इसको इसकी जड़ से ये यहाँ से काट लें तो इसको निकाल लें, ठीक है, आगे लगा लें। ये हाइब्रिड पौधा है, जहाँ भी लगाएँगे इंशाल्लाह ये पौधा इंशाल्लाह आसानी से ग्रो करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर फल भी लगेगा। अगर किसी भाई के पास नहीं कोई पौधा है तो मेरे साथ कमेंट में रब्ता करें, तो मैं उसको बनाना केले का पौधा जो है वो आसानी से आपको पहुंचा दूंगा। अगर कमेंट में मुझसे रब्ता करें, अपना व्हाट्सएप नंबर दे, तो मैं भाई को इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर किसी ने घर में पौधा लगाना हो तो मुझसे रब्ता कर लें इंशाल्लाह, तो मैं उनको भाई को ज़रूर पहुँचाऊँगा पौधा, घर में लगा के दे के आऊँगा जहाँ पर भी होगा। तो पौधे लगाना एक इबादत है, नेमत है, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, ये अल्लाह पाक ने हमें फल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करना हमारा हक बनता है, ठीक है। ये घर में आप लगा के आप खुद केले वगैरह खा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। एक पौधे से हमने काफ़ी सारे लोगों को आगे भी दिए हैं, ठीक है। तो अभी भी भाई जो भी भाई कमेंट में रब्ता करेगा उनको भी अभी मैं दूँगा पौधा, कि ये बनाने का पौधा है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, ये अल्लाह पाक की कुदरत है जी। तो अल्लाह पाक ने एक फल वाले पौधे हमें दिए हैं, ठीक है।
जी आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो इतना ही था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो भाइयों के सबसे भाइयों को गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन भाई कमेंट में रब्ता ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा पौधा। अगर किसी को केले का पौधा चाहिए हो, बनाना जिसको कहते हैं, ठीक है, तो हमसे रब्ता कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।